वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मिली मंजूरी, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट पर हुई। अगर यह प्रस्ताव कानून बन जाता है तो 2029 से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इस प्रस्ताव के तहत देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की योजना है। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, क्वाड लीडर समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-23 सितंबर 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विल्मिंगटन, डेलावेयर में 4th क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में 21 सितंबर को भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी यूनाइटेड के राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। करोल बाग में गिरा 2 मंजिला मकान, 3 लोग मरे, 14 को बचाया, राहत बचाव कार्य अब भी जारी। करोल बाग इलाके के बापा नगर में 2 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 14 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग ने बताया कि बचाव अभियान अभी भी जारी है। दिल्ली के किसानों के लिए खुशखबरी, उपराज्यपाल के फैसले से 2 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। उपराज्यपाल LGV के सक्सेना ने मंगलवार को शहरीकृत गांवों के लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली घोषणा की। उन्होंने राजधानी के शहरीकृत गांवों में कृषि भूमि के मालिकाना हक को उत्तराधिकार के आधार पर दर्ज करने म्यूटेशन की घोषणा की। उन्होंने कहा, दिल्ली में विरासत के आधार पर पहले की तरह म्यूटेशन होगा।